सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनल गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने गेम में मेगा रेम फंटक जुरासिक पार्क के अलावा मैंने अपने गेम में ज़ोंबी मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड एंड न्यू हाउस मोड को भी ले चुका हूं। एंड गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग भी अपने गेम में ज़ोंबी मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड एंड न्यू हाउस को मोड को कैसे ले सकते हैं, इसका चीट कोड क्या है। तो गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड एंड आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि हम अपने गेम में ज़ोंबी मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड एंड न्यू हाउस के मोड को कैसे ले सकते हैं, इसका चीट कोड क्या है। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग एक सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाले हो। एंड जैसे आप लोग अपने गेम में उस सीक्रेट सेटिंग करोगे तो आप लोग भी अपने गेम में ज़ोंबी मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड एंड न्यू हाउस मोड को ऐड कर पाओगे। तो गाइस, इसलिए इस वीडियो के एंड तक देखकर वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बता दे दूं कि आप लोग अपने गेम में ज़ोंबी मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड एंड न्यू हाउस मोड को कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका चीट कोड क्या है। पर इससे पहले मैं आप लोगों को टॉप 10 कार्स एंड टॉप 10 बाइक्स का चीट कोड्स बता देता हूं एंड दिन इन सभी मोड्स के बारे में भी बताने वाले। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग जैसे अपने पन 700 को डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने लैम्बोर्गिनी V2 कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे अपने पन से 3 को 4 टाइम डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने ये वाला लैम्बोर्गिनी कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 1000 को डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने फॉर्च्यूनर कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे अपने पन से 1001 को डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने लेजेंडर फॉर्च्यूनर कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे अपने पन से 3 को 3 टाइम डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने रेड कलर में स्कॉर्पियो क्लासिक कार स्पॉन होकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सके स्कॉर्पियो क्लासिक कार स्पॉन हो चुका है। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे अपने पोस्ट से 2000 को डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने रोल्स रॉयस कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 6 को 4 टाइम डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने रेंज रोवर कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे अपने पोस्ट से 800 को डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने बुगाटी V2 कार स्पॉन होकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 900 को डायल करते हो तो गाइस कॉइंगनेस कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, लास्ट में आप लोग जैसे 500 को डायल करते हो तो गाइस आप लोग के सामने वाइट कलर में ऑडी कार स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग अपने गेम में ज़ोंबी मोड को कैसे ऐड कर सकते हो, GTA 5 मोड को कैसे ऐड कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप लोग अपने गेम में मल्टीप्लेयर मोड एंड न्यू हाउस को मोड को कैसे ऐड कर सकते हो। पर इससे पहले मैं आप लोग को टॉप 10 बाइक्स का चीट कोड्स भी बता देता हूं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग जैसे अपने फोन से 888 को डायल करते हो तो गाइस आप लोग के सामने यामाहा FZ10 बाइक स्पॉन होकर आ जाएगी। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 9 को 3 टाइम डायल करते हो तो गाइस आप लोग के सामने यामाहा VMAX बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 400 को डायल करते हो तो गाइस आप लोग के सामने ZX10R बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 6000 को डायल करते हो तो गाइस आप लोग के सामने ट्रॉन बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 5 को 4 टाइम डायल करते हो तो गाइस आप लोग के सामने वेरी डेंजरस गोस्ट राइडर बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे अपने फोन से 12 एंड 10 को डायल करते हो, आप लोग जैसे 12-10 को डायल करते हो तो गाइस आप लोग के सामने KTM बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे अपने फोन से 12 और 11 यानी आप लोग जैसे 12-11 को डायल करते हो तो आज आप लोग के सामने पल्सर बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 7000 को डायल कर तो गाइस आप लोग के सामने न्यू हायाबुसा बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, इसके बाद आप लोग जैसे 9000 को डायल कर तो गाइस आप लोग के सामने स्प्लेंडर बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, लास्ट में आप लोग जैसे 3000 को डायल करते तो गाइस आप लोग के सामने कावासाकी निंजा S2R बाइक स्पॉन होकर आ जाएगा। एंड गाइस, अभी मैं आप लोग को ज़ोंबी मोड का चीट कोड भी बता देता हूँ, GTA 5 मोड का चीट कोड भी बता देता हूँ एंड मल्टीप्लेयर मोड का चीट कोड भी बता देता हूँ एंड न्यू हाउस मोड का चीट कोड भी बता देता हूँ। तो गाइस, अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग अपने गेम में इन सभी मोड्स को कैसे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें कि रोहित गेमिंग स्टूडियो ने बताया एंड ये फाइनली कंफर्म हो चुका है कि गेम के न्यू अपडेट में आप लोगों को ज़ोंबी मोड देखने के मिलेगा। एंड फाइनली रोहित गेमिंग स्टूडियो ने गेम में ज़ोंबी मोड को ऐड कर दिया है। तो बस आप लोग अपडेट तक वेट कर लो एंड जैसे गेम का अपडेट आ जाएगा तो आप लोगों को ज़ोंबी मोड देखने को मिल जाएगा एंड ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। तो न्यू अपडेट में आप लोगों को ज़ोंबी मोड भी देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अभी मैं आप लोगों को बता दें कि रोहित गेमिंग स्टूडियो ने बताया एंड ये फाइनली कंफर्म हो चुका है एंड आप लोग भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे न्यू हाउस को ऐड कर दो। तो फाइनली गाइस, रोहित गेम स्टूडियो ने गेम में न्यू हाउस को भी ऐड कर दिया। तो जैसे गेम का न्यू अपडेट आ जाएगा तो न्यू अपडेट में आप लोग को न्यू हाउस भी देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अपने गेम में GTA 5 मोड एंड मल्टीप्लेयर मोड को ऐड करवाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स एंड ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर देना है। तो आप लोग जितना ज्यादा कमेंट्स एंड जितना ज्यादा डिमांड करते हो तो हो सकता है कि गेम के न्यू
अपडेट में आप लोग को GTA 5 मोड भी देखने को मिल जाए, साथ ही साथ आप लोग को मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिल जाए। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर देना। एंड गाइज, आज के वीडियो में आप लोग यह इन्फॉर्मेशन देने वाला था, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।